हेलो गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस आज के ब्लॉग में। मेरे भाई की शादी है और मेरी दोनों दीदी आ चुकी है। ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है। ये है मेरी बड़ी दीदी और इधर है मेरी छोटी दीदी। तो गिफ्ट में क्या अच्छी दिख रही है? तो गिफ्ट में ये क्या है, खोल के बताओ। अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मेरी बड़ी दीदी कितना सुंदर गिफ्ट लेके ये देखो मेरे लिए ब्रेसलेट लेके आई है। इतना प्यारा सा ये वाला नेकलेस लेके आई है। बहुत प्यारा सा है। आज मैं पहन के दिखाऊंगी तुम्हें कि मैं कैसी लगूंगी इसे पहन के। मेरी दीदी बहुत प्यारी है, मेरे लिए बहुत सारी चीज लाती है। आपकी दीदी हो ऐसी तो कमेंट में बताना। और ये है मेरा भाई। इसकी आज वो होने वाली है, क्या होने वाली है, हाँ लगुन आ रही है। और ये है मेरी दीदी का बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, नटगट दोनों। और मम्मी है अभी कपड़े धोने में लगी हुई है। और आप सभी को मैं दिखाती हूँ घर पे क्या क्या मिठाई बन चुकी है। देखो इधर है, ये इसमें बना है लौंग, ये लड्डू है, ये और इसमें है छेना और बाकी की सारी चीजें वहां पे बन रही है ना। मैं वहां पे जाके आगे का सीन दिखाऊंगी। और वहाँ पे बहुत सारी आंटियां वगैरह पूड़ी बनाने लगी हुई है, वो सब दिखाऊंगी। आप सभी के गांव में भी ऐसे होता है तो आप कमेंट में बताना। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको आगे दिखाती हूँ। हम जा रहे हैं दुकान पे कोल्ड ड्रिंक पीने। ये बच्चे भी जा रहे हैं। अब जा हाथ में पकड़ो, लेके पी के फिर घूम जाएंगे खेत पे घूमने। वहां से घूमने के बाद में तो हम सभी लोग जा रहे हैं अभी दुकान पे, चलते हैं। अभी सड़क कैसी हो चुकी है ये, चलो पास में ही हुआ है बड़ी मम्मी घर। बहुत दूर है जानते हैं। ये देखो हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, अब हम यहाँ से दूसरी दुकान पे जा रहे हैं। बहुत दूर आ चुके हैं, अभी हम आगे जाके देखते हैं हमें कोल्ड ड्रिंक मिल पाएगी या नहीं। ये दो लोग और जा रहे हैं हमारे साथ, हम जा रहे हैं। फिर बाद में जा कर के बाद में बात करेंगे और मैं बाद में दिखाऊंगी कोल्ड ड्रिंक मिलती है यहाँ पर भी या नहीं। तो गाइस हम पूरे गांव में घूमते घूमते थक गए, लेकिन हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली है। अब ना लास्ट में एक दुकान बची है, हम उस पर जाके ट्राई करते हैं वहां पे भी हमें कोल्ड ड्रिंक मिलेगी या नहीं, या फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे। हम चलते ही जा रहे हैं। अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, हम बहुत देर से चल रहे हैं। हमने पूरे गांव का चक्कर लगा लिया, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं दूसरी दुकान पे। तो फाइनली आप सभी हमारा पूरा ब्लॉग देखते रहिए और इसमें हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, क्या हमें आज सफलता मिलेगी या नहीं, इतनी देर की मेहनत के बाद हमें कोल्ड ड्रिंक पीने मिल पाएगी या नहीं। बोलो गाइस, हमारे यहाँ की गली बहुत खराब हो चुकी है और हम सारे गांव में ऐसे ही गड्ढों के सहारे में घूम घूम के आए हैं। बहुत परेशान हो गए ये दोनों टंटन, ये भी परेशान हो गई कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में। हमें इतना चक्कर लगाना पड़ गया लेकिन अभी तक कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल पाई। अब हम चलते जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंचते हैं। आप सही से फिर दोबारा बात करते हैं। बोलो हेलो गाइस, हम चल चल के थक गए लेकिन आखिर में हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली। अब हम है ना कोल्ड ड्रिंक मार्केट से मंगाएंगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक चाहिए जरूर। हमारी बुआ जी आ चुकी है और हमारी चाची आ चुकी है, तो गाइस आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्ते बुआ। नमस्ते। नमस्ते चाची। दुकान पर ये हमारी बुआ चाची, बाद में।
मम्मी को सबसे पहले फोन करके बुलाती हूँ। कपड़े धोते धोते थक गई है इसलिए पहले से बातें थक गई थी। ये देखो कोल्ड ड्रिंक के लिए कैसे मुंह बना रही है। गाइस तो हम जा रहे हैं जहाँ पे दावत हो रही है, हम आपको दिखाएंगे, वहाँ खाना भी बन रहा है। कहाँ है अनाया? कहाँ है? चटकी मुटकी से चश्मा लगा के चल रही है। मैंने हेलो गाइस, ये बहुत हो रहे हैं हमारे पीछे देख के, ये टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, गड्ढे, ऊपर से बारिश की चोट भी है। देखो दोनों लोग आ चुके हैं। ये देखो हमारी टंटन चश्मा लगा के चल रही है और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे खाना बन रहा है और वहाँ पे टेंट लग चुका है, दावत की तैयारी होने वाली है। वहाँ पे आप सभी को मैं दिखाती हूँ वहाँ जाके। पहुँच के अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी वहाँ पे। ये देखो ये है हमारे यहाँ का बेकार सा रास्ता है गांव का। चलो मैडम चलो चलते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे खाना बन रहा है। इधर देखिए ये पूड़ी बनाने में लगे हुए हैं यहाँ पे हलवाई। और दिन में तो मैं दिखा दी हूँ यहाँ की सारी तैयारी। ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पे चढ़ रहे हैं। यहाँ पे होगी दावत। अरे बच्चे बैठ जाना, उल्टा लेके सर पर घूम रही है। इधर देखो हमारे बाबा साहेब जी हैं इधर। और यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है, थोड़ी देर में दावत शुरू होने वाली है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ये बच्चे बैठे हैं दावत खाने के लिए। सबसे पहले आ चुके हैं सारे बच्चे। ये इसकी आंख में देखो काजल कितना लगा हुआ है। दावत खाने आई है? कितने लगाए हो काजल? मम्मी ने इतना सारा काजल लगा दिया है। तो अभी मैं आप सभी को थोड़ी देर में दिखाऊंगी यहाँ पे जब दावत चलेगी शुरू होगी। और अभी तो यहाँ पे खाना बन रहा है। ये देखो दिखा रही हूँ मैं आप सभी को, ये लगे हुए हैं हलवाई हमारे गांव का। ब्लॉग चल रहा हुआ मेरा, तो आप सभी देख सकते हो मेरी क्या हालत हो चुकी है। गेस्ट आए हुए तो उनके बैग भी पकड़ने पड़ रहे हैं मुझे। और ये देखिए ये बेचारा खींच खींच के ला रहा है, इतना भारी बैग है। ये आई है मेरी प्यारी सी परी, मेरी बेटी, दीदी की बेटी। जल्दी आ जा पल्लवी। इनके इसका बैग भी मुझे उठाना पड़ रहा है क्योंकि ये छोटी है, इसलिए कर रही हूँ हेल्प। वैसे मैं करती नहीं हूँ किसी की हेल्प।